करके जाते हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग आसपास में बेचने के लिए। देख सकते हैं चींटी की तरह लाइन। ओह माय गॉड, चींटी की तरह लाइन लगा करके एकदम जा रहे हैं, एक एक चेपा लेकर के। देख सकते हैं गाइस, देखिए कैसे कैसे कितना मुश्किल से कोयला को ये इधर के चोरी कर रहे हैं। देखिए इसी तरह यहाँ के लोग ऐसे ही कोयला यहाँ से चोरी होते हैं। देखो टू माई चैनल, आप सभी का इम्प्रेसिव झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और आज इस नए ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे कि ललमटिया कोयला खदान आज हम लोग घूमने आए हैं, तो ललमटिया कोयला खदान के बारे में दिखाएंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है ललमटिया कोयला खदान, जो कि एक ओपन कोल फील्ड है, ओपन कोल राजमहल परियोजना के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, आपको दिखाते हैं, वीडियो पर बनाए रहिए गाइस। तो ये है ललमटिया कोयला खदान, देख सकते हैं। ये है, हम लोग लोंडिया बस्ती के तरफ में है, लोंडिया बस्ती के तरफ में। इधर में बहुत सारा घर सब था, तो अब जो है कोयला निकलते जा रहा और घर सब टूटते जा रहा है। तो ये जो घर सब है अभी कुछ दिनों में टूट जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा कुछ नज़ारा है, देखिए नीचे कुछ गाड़ी है, ये बहुत ज़्यादा गहराई में गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी सब, कितना भयानक लग रहा है देखने में। इधर भी एक गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए बहुत भयानक नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो है ललमटिया कोलफील्ड लिमिटेड, ये एशिया का नहीं, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन कोलफील्ड है, आप कह सकते हैं इसको वन ऑफ द बिगेस्ट, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा है। आज अभी उतने लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या कि अभी शिफ्ट चेंज होने का समय है, लगभग 1-2 बज रहे होंगे शायद, इसलिए। इधर भी गाड़ी वगैरह सब है, ये बहुत देखिए पूरा खाई जैसा है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो सीधा एकदम पताल जैसा जगह में गिरेंगे। देख रहे हैं हम यहाँ पे हैं, और ये देखिए, देख सकते हैं काफ़ी नीचे एकदम पताल जैसा। अगर आपको ईंटा फेंक करके दिखाए तो देखिए पता भी नहीं चलेगा किधर गिरा, बहुत बहुत गहरा है, बहुत गहरा। अब देख सकते हैं उधर में पानी वगैरह सब है, आप लोगों को दूसरे साइड भी ले जा करके दिखाएंगे, अब वीडियो पे बने रहिए। देखिए हम मेरे पीछे देखिएगा, ये जो गाड़ी दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा गाड़ी नहीं है, बहुत बड़ा गाड़ी है। और फिर यहाँ पे देखिए हम कहाँ खड़ा है, और आगे देखिए खाई जैसा, एक जरा सा गिरे तो पता नहीं पताल में गिरेंगे। वाओ गाइस, अब हम लोग दूसरे लोकेशन पे आए हुए हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए ये गाड़ी। हाँ देख सकते हैं ये गाड़ी है, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी है, देखिए ये है ललमटिया कोयला खदान का एक छोटा सा पार्ट, देख सकते हैं इधर में बहुत जूम करके दिखा रहे हैं। ये जो ये सब दिख रहा है, ये छोटे छोटे आदमी लोग हैं, कोयला निकाल के ले जा रहा है। हम लोग उधर भी जाने वाले हैं, आप लोगों को नज़दीक से दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। ये बहुत ही डेंजर जोन में हम लोग खड़े हुए हैं, और सामने देखिए खाई है, एक बार गिरेगा तो सीधा पताल में जाके गिरेगा, खाई है। और कभी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ बाइक और फिर ये ऐसे गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा इतना नीचे है कि सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों का आदमी दिख रहा है, यहाँ जूम करके दिखाते हैं, देखिए दिख रहा कितना छोटा छोटा लोग दिख रहे हैं।
हम लोग भी इधर ही जाने वाले हैं, आप लोगों को नज़दीक से दिखाएंगे, आप वीडियो पे बने रहिए। देखिए वहाँ से कोयला निकाल रहे हैं और फिर ये लोग वहाँ से यहाँ से ये होते हुए, देखिए यहाँ से इधर से वहाँ से लेकर के ऊपर ऊपर लेकर के जा रहा है। यहीं से ही हम लोग के इधर का लोकल लोग ऐसे ही गुजारा करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना कठिन मेहनत करते हैं, कठिन अंदर जाके दिखाएंगे, परिश्रम करते हैं। देख रहे हैं उधर कोयला लेके उधर ही, तो हम लोग को फिर से वो जो ये गांव से जिधर से आए हैं उस टाइप को देख सकते हैं, इससे आना पड़ेगा हम लोग को ये उस वाला पे। फिर मिलाते हैं आप लोग को, मिलते हैं हम है यहाँ पे। देखिए बने रहिए हमारे कंटिन्यू इस ब्लॉग में, और भी बहुत कुछ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इस ब्लॉग में। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, खतरनाक रास्ता, चमकलाल आगे चला गया, तो देख सकते हैं कितना भयानक रास्ता है। अरे फाइनली देख सकते हैं इतना खतरनाक रास्ता से हम लोग नीचे उतर गए हैं और फिर आगे तरफ जा रहे हैं। देखिएगा कैसे यहाँ पे इतना भयानक कोयला को नीचे से लेकर के जाते हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग आसपास में बेचने के लिए। देख सकते हैं चींटी की तरह लाइन, ओह माय गॉड, चींटी की तरह लाइन लगा करके एकदम जा रहे हैं, एक एक चेपा लेकर के। देख सकते हैं एकदम ये सब लोग हैं, अपना संघर्षपूर्ण जीवन बिता रहे हैं लोग। और अभी नीचे जाने का कोशिश करते हैं एकदम। गाइस देखिए कैसे कैसे कितना मुश्किल से कोयला को ये इधर के चोरी कर रहे हैं। देखिए इसी तरह यहाँ के लोग ऐसे ही कोयला यहाँ से चोरी होते हैं। देखिए उधर गिराया, अब उसको उठा के लेके चला जाएगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट लगा दिया है ताकि जो आसपास के लोग इधर के लेके जाते थे, अब हम लोग इधर यहाँ से कोयला नहीं लेके जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी वगैरह सब यहाँ आ गया ना। पहले यहाँ से कोयला इसी तरह करके लेके जाते थे, अब नहीं ले जा सकता है। तो लोग देखिए कितना भयानक, कितना चलती गाड़ी में चढ़ के गिराते हैं। गाइस अब हम लोग दूसरे लोकेशन पे हैं, ये जो है ये ललमिटिया कोयला खदान एशियल का इंट्रेंस है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना ये जो बेल्ट, इसी से कोयला खदान के अंदर से कोयला आता है। अब ट्रक वगैरह सब वगैरह नहीं चलता अब तो। इसमें जो है कोयला का जो आप दिखा रहे थे उधर में, तो कोयला का चोरी बहुत हद तक कम हो गया है, आसपास के लोग नहीं ले जा सकते हैं। इसमें अब प्राइवेट कंपनी लोग आ गया ना, इसके वजह से कोयला का चोरी बहुत कम हो गया है। वो जो आप दिखा रहे थे वो दूसरे साइड था, उस उधर में आदमी लोग चुरा रहे थे, पर इधर में कोई ये नहीं है। बहुत मुश्किल से कोयला मिलता है, अब बाहर के लोग नहीं ले जा सकता है। ये जो है इंट्रेंस है, अब इधर से ही सारा जो गाड़ी यहाँ से घुसता है खदान के अंदर, यहीं से घुसता है। आप लोग को दूसरे साइड दिखाते हैं, आ रहा है एक गाड़ी आ रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं, जल्दी जा रहे हैं, ब्रिज के ऊपर में है हम लोग, आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए, ये है कोयला खदान ललमटिया का इंट्रेंस, यहीं से कोयला खदान के लिए गाड़ी घुसती है। देखिए मेरे ये जो गाड़ी दिख रहा है, ये इधर क्या, ये जो वो ये गाड़ी घुस रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये बहुत बड़ा गाड़ी है, और ब्रिज के ऊपर है बेल्ट है कन्वेयर बेल्ट, इधर ये कन्वेयर बेल्ट, इसी से कोयला जाता है। हम लोग को बैक कैमरा से भी दिखाते हैं, ये जो दिख रहा पूरा धूल है एकदम आसपास, और जो यहाँ से बेल्ट के थ्रू कोयला ऊपर जाता है, वहाँ से ये में उसमें ये होकर के लोडिंग होता है वहाँ से, और उधर ऑफिस वगैरह सब इधर का
यही है एंट्रेंस, लुमटा कोयला खदान का एंट्रेंस। एक ब्रिज है यहाँ, ब्रिज के से आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये मेरा भैया जी है, बोला साथ में आए हुए हैं। हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? पूरा ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं, धुल्ला धुल्ला। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।